अगर आपने DSSB का एग्जाम दिया है तो आप जरूर इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी मीटिंग थी विजेंद्र गुप्ता जी से, विपक्ष के नेता, और मीटिंग किस बारे में थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूं। साथियों, मीटिंग थी DSSB के जो MCD के रिजल्ट्स थे, DOE के रिजल्ट्स थे, उनके रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि DSSB अभी रिजल्ट बहुत डिले कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमने विजेंद्र गुप्ता जी से मीटिंग की। तो साथियों, 10 बजे साथी मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे थे, कुछ साथी धुंध की वजह से लेट पहुंचे थे। इसके बाद सभी इकट्ठे होकर वहां से विजेंद्र गुप्ता जी के पास गए, तो उनको अपनी सारी समस्या बताई। और मीटिंग में लगभग 50 साथियों के लगभग थे, तो विजेंद्र गुप्ता जी ने बात सुनकर DSSB ऑफिस में कांटेक्ट किया। DSSB जो मैम थी उनको कॉल किया और बच्चों की जो भी समस्या थी। तो साथियों, एक बात और ध्यान रखें आप, अगर कोई कैंडिडेट है तो उससे कोई DSSB ऑफिसर एक बार झूठ बोल सकता है, लेकिन जो नेता होते हैं, आपको पता है विजेंद्र गुप्ता जी एक नेता हैं, तो उनसे झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी काफी ऐसी सिचुएशन देखी है। विजेंद्र गुप्ता जी हैं तो काफी ऐसी सच्चाई पता चली है और उनसे झूठ नहीं बोलते। तो विजेंद्र गुप्ता जी ने DSSB मैम को कॉल करी, इसके बाद उन्होंने सारी सिचुएशन जो हमारी डिमांड थी DSSB मैम को बताई। तो DSSB मैम ने जवाब में उनको बताया कि जो रिजल्ट है, सबसे पहले स्पेशल वालों का रिजल्ट आने वाला है, जो साथी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो साथियों, जो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उन साथियों का रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है। और कट ऑफ तो उनकी पहले डिक्लेयर हो चुकी है, कट ऑफ आ चुकी है, और जो उनका सिलेक्शन हुआ है कंडीशन बेस पे ही हुआ है, और उस पर मतलब पूरी वैकेंसी फिल नहीं हुई है। इसके बाद उनका केस भी चला हुआ है, लेकिन जो DSSB मैम ने जवाब दिया है तो उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। इसके बाद साथियों, एक बात और बता देता हूं, जो पहले बात बताई गई थी DSSB की तरफ से, वही बात उन्होंने बाद में कही है कि सबसे पहले हम PGT का रिजल्ट देंगे, PGT के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो साथी वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, उनके लिए एक अच्छी बात है कि PGT के रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसके बाद PGT के रिजल्ट लगभग आपके मिड जैन तक आ जाएंगे, मतलब मिड जनवरी तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है फिर TGT का, जो TGT के रिजल्ट्स है जनवरी से आने स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग जनवरी से आने स्टार्ट हो जाएंगे और फैब तक वो चलेंगे। इसके बाद और भी कोई वैकेंसी है वो पहले निकलती रहेंगी, मतलब उनका रिजल्ट आता रहेगा। इसके बाद फिर बात आई PRT की, तो उन्होंने कहा है कि फैब के लगभग हम रिजल्ट दे देंगे, फरवरी से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। और फिर इसके बाद बात रही कैंसिल की, तो कैंसिल के बारे में भी उन्होंने ये बताया कि कैंसिल होने का कोई वो नहीं है, रिजल्ट आने वाला है। और आप समझ सकते हैं अब की बार जो DSSB का जो भी काम है बहुत अच्छा काम है, और इन बातों से हमें बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि मिली कि DSSB अभी कोई एग्जाम कैंसिल करने वाला नहीं है। जो साथी इस डर में बैठे थे कि एग्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। साथियों, एक चीज का आइडिया और लगा हमें, मैं अपने खुद के व्यूज बता रहा हूं और मैंने शायद पहले भी आपके साथ ये चीजें शेयर की होंगी, जो मेरा खुद का व्यूज है कट ऑफ के बारे में। तो अब की बार भी लगभग 50 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे जो मीटिंग होने वाली थी। हालांकि अब की बार जो टाइम बताया था, हालांकि 10-15 ऐसे साथी थे जो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, काफ़ी दूर से थे, तो इसका कारण ये रहा था कि हमें नाइट में बहुत लेट पता चला था, तो सुबह ही आपको बता पाए, इस वजह से जो दूर के साथी थे वो नहीं आ पाए। तो मैं कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यूज है
कट ऑफ जहां तक है कंडीशन के आसपास ही रहेगी, क्योंकि 50-60 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हो रहे हैं मीटिंग में, धरना हुआ था उसमें भी। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, अगर किसी के 110 या 15 नंबर है वो मीटिंग में 99% पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं अगर किसी के 110 के अराउंड मार्क्स है, जैसे बात चल रही थी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 110 है 120 है, कोई नहीं दिख रहा, अगर होते तो वो सबसे पहले मीटिंग में आगे मिलते, धरना दिया था उसमें सबसे आगे आते। लेकिन साथियों ये सारी अफवाह है, वो साथी फैला रहे हैं जो चाहते कि एग्जाम कैंसिल हो, भर्ती पूरी ना हो। तो आप संयम बना के रखें, ये मेरा पर्सनल व्यूज है, मैं ये नहीं कहता कि डीएसएसबी की तरफ से ये व्यूज होगा, लेकिन जो मेरा व्यूज है, आप और वैकेंसीज में भी देख रहे हैं तो कट ऑफ ऐसी बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। इवन आप लास्ट टाइम का अगर व्यूज देखेंगे, लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी तो वो पूरी फिल नहीं हो पाई थी, 79 जनरल की, 69 ओबीसी की, और इसके बाद एससी की थी 59, मतलब कंडीशन से भी कम। उसका रीजन था कि एक क्वेश्चन उसमें गलत हो गया था, और ऐसा ही अब की बार होगा, डिलीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो डिलीट कर दिए जाएंगे। तो ऐसी ही सिचुएशन अराउंड अब की बार भी रहने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो ये चीजें मैंने देखी, खुद मैंने एनालाइज किया, लगभग ऐसी ही चीजें रहने वाली हैं। नहीं तो अगर 120 नंबर वाला कोई साथी है तो वो सबसे पहले आता, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इसके बाद बात करते हैं डीएसएसबी रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि विजेंद्र गुप्ता जी ने बात करने के बाद हमें बताया, मैम ने उनको सारी चीजें क्लियर कर दी, तो अब ये बात है कि रिजल्ट अब एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक डर था पहले कि कहीं एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल वालों पे केस चला हुआ है, लेकिन उनका भी वो रिजल्ट मतलब फाइनल ज्वाइनिंग अब देने वाले हैं जल्दी। तो जो साथी स्पेशल वाले हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और इसी तरह पीआरटी वाले जो साथी हैं, जो डरे हुए बैठे हैं कि एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र बैठ जाएं। और जो साथी बोल रहे थे कि हम एग्जाम कैंसिल करा के रहेंगे, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो साथियों अगर ऐसा होता है तो आप धैर्य जी को बिल्कुल धन्यवाद दें। तो ये सब कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इसके बाद साथियों अगर कोई और न्यूज होगी तो सबसे पहले आपको बताने के लिए मैं हाजिर हूंगा, और मॉर्निंग न्यूज में डेली आपको जॉब रिलेटेड न्यूज दी जाती है, डीएसएसबी से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशनल न्यूज होती है आपको बताई जाती है। तो साथियों वो भी आप देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। जय हिंद।